दोस्तों, अभी तक आपने चंद्रयान मंगलयान के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार अब बहुत जल्द अब समुद्रयान मिशन लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, आखिर क्या है समुद्रयान मिशन, चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। तो हमारी धरती हो या आकाश हो या फिर समुद्र, इनमें बहुत से रहस्य भरे पड़े हैं। धरती और आकाश के बाद अब हमारी सरकार गहरे समुद्र के रहस्यों को खोलने के लिए एक मेगा ओशन मिशन यान शुरू करेगी। इस मिशन के जरिए भारत 3 आदमियों को खोज के लिए समुद्र की सतह से 6000 मीटर के नीचे गहराई में भेजना चाहते हैं, जिसके लिए समर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 तैयार किया जा रहा है। ये व्हीकल एक तरह की पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र में खोज के लिए वैज्ञानिक सेंस और डिवाइसेस के साथ ही इंसानों को भी ले जाएगी। ये 12 घंटे तक चलने में कैपेबल है। इसके साथ ही किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इसमें 96 घंटे तक काम करने की कैपेबिलिटी है। आपको बता दें दोस्तों कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है और अब उसे और भी अपडेट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे स्टेज वाइज तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले 500 मीटर तक की गहराई में जाने के लिए इंसानों को ले जाने वाली पनडुब्बी बनाई गई, फिर इसे बंगाल की खाड़ी में टेस्ट भी किया गया। भारत के पास इससे पहले बिना इंसानों वाली रोबोटिक्स पनडुब्बी बनाने का एक्सपीरियंस रहा है, जो कि 6000 मीटर तक की गहराई में जाने में कैपेबल है। अब उसी एक्सपीरियंस के बेस पर 6000 मीटर की गहराई क्षमता वाली ये पनडुब्बी भारत तैयार कर रहा है। इस समर्सिबल में 2.1 मीटर डायमीटर वाले टाइटेनियम मेटल एलॉय का इस्तेमाल होगा, जिसमें 3 व्यक्तियों को ले जाने की कैपेसिटी होगी। तो दोस्तों, ये एक तरह से टाइटेनियम से बनी मॉडर्न पनडुब्बी होगी, जिसमें सेंसर के साथ सी लेवल से उठने वाली सेस्मिक वेव्स को पकड़ने वाले डिवाइसेस भी होंगे। इसमें 12 कैमरेज भी लगे होंगे, जिसमें पूरी जर्नी को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। वहीं समर्सिबल के जरिए गहरे समुद्र में निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज जैसे मिनरल रिसोर्सेस और कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज की जा सकती है। इस पनडुब्बी से गहराई में छुपे मिनरल्स को इंसान अपनी आंखों से देख सकेंगे। समुद्र में 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले पॉलीमेटालिक मैंगनीज मॉड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रॉस जैसे नॉन लिविंग रिसोर्सेस की भी खोज की जा सकेगी। इसके साथ ही अलग अलग तरह के सैंपल्स को भी कलेक्ट किया जा सकेगा, जिसके बाद में रिसर्च हो सकती है। आपको बता दें कि समुद्र में ज़्यादा गहराई तक सुरक्षित रूप से खोज करने के लिए मैन व्हीकल्स को हाई रेजोल्यूशन बैथमेट्री, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन, सर्च एक्टिविटीज के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कैपेबल होना चाहिए। चीन इस डायरेक्शन में सबसे तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, समुद्र के भीतर खोज के लिए चीन ने 2020 में एक मैन पनडुब्बी फिंडोस बनाई थी, जिसे 2021 में समुद्र में 11000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया था। तो भारत अब दुनिया की उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास समुद्र के अंदर रिसर्च करने के लिए मैन मिशन चलाने की कैपेसिटी है। भारत से पहले इन खास ग्रुप में अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चाइना शामिल थे। 2021 के अक्टूबर में भारत के पहले मैन ओशन मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया गया। समुद्रयान मिशन के लिए 5 साल की टाइमलाइन रखी गई है। इसे 2025 से 26 तक पूरा करना है। तो दोस्तों, आपको बता दें, सितंबर 2016 में भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स यानी कि PMS की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीवेट अथॉरिटी यानी इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी ISA के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। बता दें कि ISA एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के जरिए बनाया गया है। ये संगठन गहरे समुद्र में माइनिंग के लिए एरिया डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपको बता दें कि इंडियन ओशन में भारत को मिले इस रीजन में PMS यानी पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज के लिए 15 साल की कॉन्ट्रैक्ट में भारत को कई स्पेशल राइट्स दिए हैं। तो दोस्तों, IAS ने पहले इंडियन ओशन के सेंट्रल इंडियन रिस्ट और साउथ वेस्ट इंडियन रिस्ट क्षेत्र को PMS रिसर्च योजना के लिए भारत को दिया हुआ है। बात करें तो इस मिशन का मेन पर्पस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की रिसर्च और उनके एक्सट्रैक्शन करना है। PMS के लॉन्ग टर्म कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक फायदे ने दुनिया भर का ध्यान इस ओर अट्रैक्ट किया है। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स PMS हिंद महासागर में लगभग 6000 मीटर की गहराई पर बिखरे हुए हैं और उनका साइज कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो दोस्तों, पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स यानी कि PMS, इसका क्या इस्तेमाल होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, PMS से मिले मेटल्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस,
स्मार्टफोन बैटरीज और सौर पैनलों में भी किया जाता है। आपको बता दें कि ओशन विश्व के 70% हिस्से को कवर करते हैं, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बताया जाता है कि डीप ओशन का अब तक 5% हिस्सा ही लोगों के जानकारी में ही है और इसका 95% हिस्सा अभी तक खोजा नहीं जा सका है। भारत तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है और देश के लगभग 30% आबादी समुद्र रीजन के पास ही रहती है, जहां के लोगों के इनकम का मेन सोर्स फिशरीज, एक्वाकल्चर और टूरिज्म ही है। भारत के लिए समुद्र के भीतर की खोज एक शानदार पल है। भारत में कुल मिलके 7517 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जो कि नौ तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। भारत सरकार के न्यू इंडिया विजन में समुद्र की इस ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करना एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। वहीं अगर समुद्र के रहस्य को थोड़ा और खंगालें तो हमें इंसानी सभ्यता और इतिहास के कई प्रूफ मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना समुद्रयान क्या है और समुद्रयान समुद्र के नीचे क्या रिसर्च करेगी, क्या मेटल्स खोजेंगी, क्या क्या खोजें हो सकती है, उनके बारे में हमने चर्चा की। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।